अब मैं वसंत भाग दो पाठ दो दादी माँ के अंतिम अनुच्छेद पर आ गई हूँ, जहाँ पर लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र है और लेखक अपनी पुरानी यादों में डूबा हुआ है। उसे दादी माँ का हर स्वरूप याद आता है, लेखक की सेवा करना, किस तरह से वो विवाह के दौरान किशन भैया की शादी में उसकी तरफदारी करती हैं। लेखक को भी लगता है कि वो किस तरह से दादी माँ के पास ही सुरक्षित है, अभयदान उन्हीं के पास मिलता है। ये सारी बातें लेखक को क्रमवार तरीके से याद आती जा रही हैं। दादा के श्राद्ध के बाद दादी ने पिताजी को किस तरह से संदूक के अंदर रखा हुआ कंगन देकर मदद की, तो लेखक को लगता है कोई शाप भ्रष्ट देवी हैं जो शापित हैं और धरती पर अवतार ले ली हैं, जिन्हें धरती पर आना पड़ा है। तो लेखक के दिमाग में दादी के प्रति ये सारी चीज़ें घूम रही हैं। तो अंतिम अनुच्छेद इस प्रकार है। पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। काली चींटियों से कतारें धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यानी कि लेखक को किशन भैया का पत्र हाथ में लेने के बाद भी याद ही नहीं आता है सच में कि दादी माँ अब जीवित नहीं हैं, और वह दादी माँ की यादों को लिए हुए सारी बातों को सिर्फ सोच रहा है और अपने आप पर उसे विश्वास नहीं होता। इसलिए उसके मुंह से अचानक निकलता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? अर्थात वो दादी अब जीवित नहीं थी। ये बात उसे किशन भैया के पत्र से पता चला और पत्र में लिखी हुई लकीरें उसे काली चींटियों से धूमिल हल्की होती दिखाई पड़ रही थी। उसकी आंखों पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लिखा है क्या वो सच है। ये बातें सोचकर वो दादी माँ की यादों में खो जाता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? शिवप्रसाद सिंह ने इस कहानी को दादी की याद में लिखा और उन्हें विश्वास नहीं होता कि जिस दादी के साथ इतना प्रेम उन्हें लगता था, जो दादी सचमुच देवी का अवतार थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इस प्रकार ये पाठ दो का भावार्थ पूर्ण हुआ और भावार्थ पूर्ण होने के बाद मैं कहानी के अभ्यास प्रश्नों को आपसे चर्चा करूंगी। आप उन प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और फिर उसको अपनी कॉपी पर लिखिए। मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी, आप बहुत ध्यान से उसे सुनिए। पाठ को अगर आप बार बार पढ़ लेंगे तो उत्तर आपके समझ में अपने आप आ जाएंगे। इसलिए मैं उत्तरों को समझाऊंगी, आप उसे ध्यान से सुनिए फिर अपनी कॉपी पर उसे लिखिए। तो अभ्यास प्रश्न पर आती हूँ। जो पहला हिस्सा है अभ्यास प्रश्न का, वो कहानी से है। पहला प्रश्न पढ़ती हूँ। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? अब मैं आपको इसका उत्तर बताती हूँ अपने शब्दों में, आप उसे कॉपी पर लिखिएगा। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के अलावा बचपन की अन्य निम्नलिखित यादें आ जाती हैं। मैं क्रमवार उसे आपको गिनवाती हूँ। अपने मित्रों और शुभचिंतकों को खुश करने के लिए छुट्टियों की सूचना देना, पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाना उन्हें याद आता है।
फिर याद आता है गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार हो जाने पर दादी की दिन रात सेवा याद आती है, किशन भैया की शादी याद आती है, औरतों का अभिनय करना याद आता है, रामी की चाची की घटना याद आती है कि दादी उसे पहले कैसे डांटती हैं फिर आशीर्वाद देती हैं और दादी की डांट के बाद भी वो उसे मालकिन को अपने आशीर्वाद देती है कि उन्हीं की मदद से शादी हुई। मुसीबत के समय पिताजी को तसल्ली देने के लिए वो संदूक के अंदर से कंगन लाकर पिता के हाथों में रख कर तसल्ली देती हैं। ये सारी घटनाएं लेखक को क्रमवार तरीके से याद आती हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जाएंगी। अब मैं बढ़ती हूँ कहानी से ही दूसरे प्रश्न की ओर। ध्यान से सुनिएगा। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? अब मैं इसका उत्तर बताती हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए और उसके बाद उसका उत्तर आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा। तो दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई। गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। दादा के श्राद्ध में भी दादी के मना करने के बावजूद पिता ने बेहिसाब दौलत खर्च की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और बेहिसाब श्राद्ध में पैसा खर्च किया जिससे घर की माली हालत बिगड़ गई, तो आर्थिक स्थिति इस तरह खराब हो गई। अब मैं तीसरे प्रश्न को पढ़ती हूँ और उसका उत्तर आपको बताती हूँ। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? क्यों भी लिखना है। अब यद्यपि ये तो कहानी पढ़कर ये आपका अपना विचार होना चाहिए, फिर भी मैं इसे समझाती हूँ उत्तर के रूप में। दादी माँ ने अपने स्वभाव को, दादी माँ के स्वभाव को इसमें लेखक ने बहुत जगह वर्णन किया है। तो प्रश्न में पूछा गया, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है? तो इसका उत्तर शुरू करते समय आप ध्यान से लिखिएगा कि दादी माँ के स्वभाव के अनेक पक्ष हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो लिखिएगा हमें बहुत अच्छे लगते हैं। मसलन क्या था? दादी माँ के अंदर जो सेवा भाव था, संरक्षण का भाव था, परोपकारी भाव था, प्रेम करती थी, सारे भाव ही, सबकी चिंता करती थी, सब अच्छा लगता है। और इन्हीं सब कारणों से वे दूसरों का मन जीत लेती हैं, सबकी मदद करती थी, कठिन परिस्थितियों में सबके साथ खड़ी रहती थी, बीमार होने पर लेखक की सेवा करती हैं, रामी की चाची की बेटी की शादी में पैसे जो उधार ले लिए रहती वो भी वापस नहीं लेती बल्कि और पैसा देती हैं कि ये गांव भर की बेटी है, इसकी अच्छे से विवाह करना। दादा की अंतिम निशानी कंगन सोने का जो रखी रहती हैं, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर वो भी दे देती हैं। तो इस तरह से सदैव वो दूसरों की मदद करती थी। उनके जीवन का जो प्रमुख उद्देश्य था दूसरों की सेवा करना, परोपकारी भाव, मदद करना, वो बहुत सुंदर लगता है। तो आप इसको अंतिम लाइन में जोड़ दीजिएगा कि मुझे दादी के सहृदयता, कोमलता वाला पक्ष, उनके प्रेम भाव सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वो सभी की मदद मौके पर करती थी। तो इस तरह इसका उत्तर लिखिएगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, कहानी से आगे के प्रश्न को पढ़ूंगी जिसको कि आप
ध्यान से सुनिएगा, फिर उसके उत्तर आप लिखिएगा। कहानी से आगे का पहला प्रश्न है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार आया है, आषाढ़ आया है, माघ आया है, इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। ये हिंदी महीने हैं तो मैं इन महीनों के बारे में आपको बता देती हूँ। क्वार का जो महीना होता है उसमें ना अधिक गर्मी पड़ती है ना अधिक सर्दी होती है, हल्की हल्की ठंडी हवाएं शुरू रहती हैं। दशहरे के आसपास का ये समय होता है। इस समय तालाब धान के खेतों में पानी भरा होता है, तो उसी समय का दृश्य वर्णन यहाँ पर किया है। दूसरा जो महीने का वर्णन इसमें आया है वो आषाढ़ है। आषाढ़ महीना जो होता वर्षा ऋतु का महीना होता है, गर्मी अपने चरम पर होती है इस महीने में और वायुमंडल में आर्द्रता होती है, नमी होती है। गर्मी से राहत में जब पानी बरसता है तो थोड़ी राहत मिलती है, तो आषाढ़ जो है वर्षा ऋतु को कहा गया है। तीसरा जो हिंदी महीना आया है वो माघ है। माघ जो का जो महीना है वो कठिन सर्दी जब पड़ने लगती है उस समय का वर्णन माघ महीना कहते हैं, जनवरी के आसपास। तो माघ महीने में अत्यधिक सर्दी पड़ती है, तापमान बहुत गिर जाता है, पाला पड़ता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, सर्दी बहुत अधिक होती है, इसलिए माघ जो है वो ठंडी का महीना है। इस समय वातावरण इस तरह का होता है जिसमें खूब निम्न तापमान होता है, पाला पड़ता है, ठंडी हवाएं होती हैं, वातावरण बहुत ज़्यादा ठंड वाला हो जाता है। अब मैं बढ़ती हूँ दूसरे प्रश्न पर और पढ़ती हूँ। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। तो तीन मौसम की बात तो आपने सुनी होगी, जाड़ा गर्मी बरसात, ये तीन चीज़ तो सुना होगा। तीनों चीज़ों का वर्णन इसमें आपको लिखना है कि जाड़े में क्या क्या होता है, गर्मी में क्या होता है, क्या पाते हैं, क्या खाते हैं बरसात में, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जाएंगी। तो सर्दी के समय के वर्णन में आप लिखेंगे कि बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, ठंडक होती है, गर्म चीज़ें लोग पसंद करते हैं, फल में सेब, अमरूद, केला, पालक, बथुआ, सरसों, मटर, गोभी, मूली आदि खूब मिलते हैं। और दूसरा गर्मी होता है, गर्मी के समय में आम, लीची, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल मिलते हैं। हरी सब्जियां, टिंडा, तरोई, खीरा, ककड़ी आदि भी मिलने लगते हैं। तीसरा मौसम होता है बरसात का, बरसात में वर्षा आ जाती है तो इसमें आम, आलू बुखारा, सब्जियों में बैंगन, करेला, परवल, टमाटर आदि सभी प्रकार के फल और सब्जियां मिलने लगती हैं। तो आपको ये तीनों जाड़ा गर्मी बरसात की जो मुख्य चीज़ें हैं, कौन कौन सी मिलती हैं, पसंद की जाती हैं लोगों द्वारा, इसको लिखना है। अब मैं बढ़ती हूँ अनुमान और कल्पना के प्रश्न पर। अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न है, इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी, अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहां से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। यानी अगर इस प्रश्न को आप अपने घर के बड़ों से चर्चा करिएगा तो वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि गांव के लोग कौन कौन से ऐसे अवसर आते हैं जिसमें उनको लेना पड़ता है ऋण, ऋण मतलब कर्ज, कर्ज लेना पड़ता है और उन्हें कहां से मिलता है।
गांव पुराने जमाने में लोग गांव में ऋण बैंक वगैरह से नहीं लेते थे। तो आपको यहाँ पर ये लिखना है, मैं संक्षेप में आपको ये प्रश्न समझा दे रही हूँ। गांव के लोग प्रायः आर्थिक तंगी से जब परेशान होते हैं, परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं, घर में शादी ब्याह पड़ जाता है, मकान बनवाना होता है, कटाई हो, पशु खरीदना हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, श्राद्ध करना हो, अंतिम संस्कार करना हो, ऐसी सभी स्थितियों में ये कर्ज लेकर कार्य करते हैं। और ये कर्ज किसी बैंक से नहीं लेते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, गांव के साहूकार बड़े लोग पैसे वाले लोगों के पास जाते हैं, वो ब्याज पर उनसे पैसे लेते हैं या उसके बदले में अनाज देते हैं या खेत गिरवी रखते हैं या गहने रखते हैं, इस तरह से करके वो कर्ज के लिए पैसा पाते हैं और उससे अपना सारा कार्यक्रम करते हैं और बाद में उसे भरते हैं, जिसके कारण उनके घर में आर्थिक तंगी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जाएंगी। आप इस प्रश्न को अपने घर के बड़ों से भी चर्चा करिए, उनकी भी अनुभूतियाँ लीजिए, उनसे भी पूछिए, फिर लिखिए। अब मैं अनुमान और कल्पना के दूसरे प्रश्न को पढ़ती हूँ और आपको समझाऊंगी। दूसरा प्रश्न है, घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने और अपने मित्रों के अनुभव के आधार पर लिखे। अब ये प्रश्न तो आपके लिखने योग्य है कि घर पर कोई उत्सव और समारोह होता है तो आप लोग क्या क्या करते हैं। तो घर में आपके जन्मदिन मनाया जा रहा हो, विवाह पड़ा हो, गृह प्रवेश हो, तो आपके अंदर एक नया उत्साह होता है और उत्साह में आप नए नए कपड़े पहनते हैं, खाना पीना होता है, खुशियां मनाते हैं, गीत गाना होता है। तो अपने मित्रों के साथ इस अनुभव को समझिए, घर के भाई बहनों के साथ इसको पूछिए, समझिए और फिर इसको लिखिए। तो मैंने थोड़ा बहुत आपको इन प्रश्नों के उत्तरों में क्या लिखा जाएगा समझा दिया। अब मैं आती हूँ भाषा के बात प्रश्न पर, जिसमें भाषा के प्रश्नों को आपको समझाऊंगी, फिर आप उसको अपनी कॉपी में हल करेंगे।